Hello everyone, I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of chapter number 1, what did Poonam see? So let's start with question number 1. Choose the correct alternative from those given below each questions and write its index capital alphabet in the box provided against each question. ठीक है, क्या करना है हमें? हमें बहुत सारे MCQs दिए हुए हैं. ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ढूंढना है और जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, उस अल्फ़ाबेट को हमें जो हमें बॉक्स दिया हुआ है उसमें लिख देना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, विच इज़ द एनिमल दैट कैन लिव ऑन बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. ठीक है, ऐसा कौन सा एनिमल है जो लैंड पे भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है. ठीक है, ज़मीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है. सो द करेक्ट आंसर इज़ सी, फ्रॉग. तो हम सी लिख देंगे बॉक्स के अंदर. देन क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द एनिमल दैट क्रॉल्स एंड मूव्स फॉरवर्ड. ऐसा कौन सा एनिमल है जो क्रॉल करके आगे बढ़ता है. ठीक है, क्रॉल करता है मतलब रेंगता है. ठीक है, तो रैट, स्कॉर्पियन, स्क्विरल या स्नेक. द आंसर इज डी, स्नेक. सो जस्ट राइट डी इन द बॉक्स गिवन. नंबर 3, विच एनिमल लिव्स ऑन ट्री. कौन सा एनिमल है जो पेड़ पे रहता है, ट्री पे रहता है. ऑप्शन ए मंकी, बी कैट, सी टाइगर या डी डियर. द करेक्ट आंसर इज मंकी. मंकी पेड़ पे रहता है. सो राइट ए इन द बॉक्स गिवन. नाउ नंबर 4, व्हाट इज द होम ऑफ टर्माइट्स नोन एज. ठीक है, टर्माइट्स जो घर बनाते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है. ठीक है, तो ऑप्शन ए होल, बी एंट हिल, सी शेड या डी डेन. सो द करेक्ट आंसर इज बी, एंट हिल. सो राइट बी इन द बॉक्स गिवन. Now, question number 5. Which animal has a long tail? कौन सा एनिमल है जिसकी बहुत लंबी टेल होती है, टेल यानी पूंछ. सो बैट, ऑप्शन ए बैट, बी एलिफेंट, सी बफेलो, डी कॉकरोच. ठीक है, किसकी लंबी टेल होती है, सी बफेलो की लंबी टेल होती है. सो राइट सी इन द बॉक्स गिवन. नाउ नंबर 6, विच एनिमल गोज आउट एट नाइट इन सर्च ऑफ फूड. ऐसा कौन सा एनिमल है जो रात को बाहर निकलता है अपना फूड सर्च करने के लिए, यानी खाना ढूंढने के लिए. सो योर ऑप्शंस आर पैरोट, आउल, गोट या रैबिट. सो योर आंसर इज बी, आउल. सो राइट बी इन द बॉक्स गिवन. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच एनिमल इज सीन ऑन ट्रंक्स ऑफ ट्रीज. ठीक है, ऐसा कौन सा एनिमल है, ठीक है, जो हमें ट्री की ट्रंक्स पे दिखाई देता है. ठीक है, ट्री की डालियों पे दिखाई देता है. ठीक है, सो योर ऑप्शंस आर स्पाइडर, हनी बी, एंट या कॉकरोच. सो योर आंसर इज बी, हनी बी. ठीक है, राइट बी इन द बॉक्स गिवन. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच एनिमल हैज़ 8 लेग्स. ठीक है, ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके 8 लेग्स होते हैं. सो योर ऑप्शंस आर हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, कॉकरोच और स्पाइडर. सो द करेक्ट आंसर इज डी, स्पाइडर. स्पाइडर के कितने लेग्स होते हैं, 8 लेग्स होते हैं. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड. क्या करना है हमें, जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं उसमें करेक्ट आंसर्स लिखने हैं. सो नंबर 1, द एनिमल दैट मेक ब्यूरो होल्स नियर रूट्स ऑफ ट्रीज इज द डैश. सो ऐसा कौन सा एनिमल है जो ट्रीज के पास में अपने ब्यूरो, बरो या फिर होल, यानी कि अपना घर बनाता है. सो इट इज़ एंट. नंबर 2, द एनिमल दैट सिंग कुहू कुहू इज़ द डैश. ठीक है, कौन कुहू कुहू बोलता है या फिर कू कू बोलता है. सो द नेम ऑफ द बर्ड इज़ कुकू. नंबर 3, द एनिमल दैट स्पिन्स वेब इन कॉर्नर ऑफ वॉल्स इज़ द डैश. ठीक है, कौन घर के कोनों में वेब बिल्ड करता है. ठीक है, कौन वेब बनाता है. सो द आंसर इज स्पाइडर. नंबर 4, एनिमल रेस्ट इन द डैश ऑफ ट्रीज. ठीक है, एनिमल्स जो होते हैं वो ट्री की शेड में रेस्ट करते हैं, यानी ट्री की, पेड़ की छाया में रेस्ट करते हैं. सो द आंसर इज शेड. नंबर 5, द डैश कीप्स इट्स यंग वंस इन अ पाउच ऑन इट्स बॉडी. ठीक है, कौन सा एनिमल है जो अपने यंग वंस यानी अपने बेबी को अपने पाउच में रखता है. सो द आंसर इज कैंगरू. नंबर 6, एन एलिफेंट ड्रिंक्स वाटर विथ इट्स ट्रंक. सो एलिफेंट किससे पानी पीता है, अपनी ट्रंक से, अपनी सूंड से. नंबर 7, द एनिमल दैट हैंग्स अपसाइड डाउन ऑन ट्री इज द
डैश, ठीक है, वो कौन सा बर्ड है, कौन सा एनिमल है, ठीक है, जो पेड़ पे उल्टा लटक जाता है. सो द आंसर इज बैट. नंबर एट, द एनिमल यूजफुल फॉर राइडिंग इन डेजर्ट इज़ द डैश. ठीक है, वो कौन सा एनिमल है जो जिस पे हम डेजर्ट के अंदर राइड करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज़ कैमल. कैमल को क्या बोला जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट. ठीक है, वो ज़्यादातर डेजर्ट में दिखाई देते हैं. ठीक है, डेजर्ट में लोग किसके ऊपर ट्रैवल करते हैं, कैमल के ऊपर ट्रैवल करते हैं. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, पुट अ टिक मार्क इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू एंड क्रॉस इन फ्रंट ऑफ द दोज दैट आर फॉल्स. क्या करना है, जो स्टेटमेंट ट्रू है उस पर हमें टिक कर देना है, जो स्टेटमेंट फॉल्स है उस पर हमें क्रॉस कर देना है. ठीक है, सो नंबर वन, द काउ लिव्स इन अ फॉरेस्ट. क्या काउ फॉरेस्ट में रहती है? नो, द आंसर इज फॉल्स. नंबर टू, अ फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. जो फ्रॉग होता है वो लैंड पे भी रह सकता है एंड वाटर में भी रह सकता है. द आंसर इज ट्रू. थ्री, अ कॉकरोच हैज सिक्स लेग्स. एक कॉकरोच के सिक्स लेग्स होते हैं. यस, द आंसर इज ट्रू. नंबर फोर, अ स्नेक कैन सी एट नाइट टू. ठीक है, जो स्नेक्स होते हैं वो रात को भी देख सकते हैं. द आंसर इज फॉल्स. फाइव, अ बैट कैन नॉट फ्लाई. जो बैट होता है वो फ्लाई नहीं कर सकता. फॉल्स, इट कैन फ्लाई. नंबर सिक्स, ऑल एनिमल्स ईट ग्रास टू लिव. सारे एनिमल्स ग्रास खाते हैं, यानी कि सारे एनिमल्स घास खाते हैं. द आंसर इज फॉल्स. नंबर सेवन, द कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. क्या कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है? यस, कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज द स्टेटमेंट इज ट्रू. नंबर एट, ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द मैमल्स कैटेगरी ऑफ एनिमल्स. ठीक है, अब मैमल्स क्या होता है? ठीक है, तो जो जो लोग डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है, यानी जिसको डायरेक्टली बेबीज होते हैं, एग्स नहीं होते, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? मैमल्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे काउ होता है वो भी डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देता है. बफेलो हो गया, वो भी डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देते हैं. ठीक है, तो ये सारी किस कैटेगरी में आते हैं? मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं. तो जो ह्यूमन बींग्स भी होते हैं वो भी डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं. ठीक है, सो ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मैमल्स. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, मैच द कॉलम अप्रोप्रिएटली. क्या करना है हमें? मैच द फॉलोइंग करना है. सो कॉलम ए दिया है, फिर कॉलम बी दिया है, तो कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है. ठीक है, तो हम पेंसिल से डायरेक्ट मैच नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम आंसर्स लिखेंगे. ठीक है, आंसर के लिए हमें स्पेस दिया हुआ है. सो नंबर वन, स्पिनर ऑफ वेब. ठीक है, वेब्स कौन बनाता है? स्पाइडर. सो आंसर इज ई, स्पाइडर. नंबर टू, लिविंग ऑन ब्रांचेस. कौन सा एनिमल ब्रांच पे रहता है? ब्रांचेस पे रहता है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर जाता है. सो द आंसर इज एफ, मंकी. नंबर थ्री, इट सी इज सीन एट नाइट. कौन सा एनिमल हमें रात को दिखाई देता है? सो बी, बैट. नंबर फोर, हॉप्स टू मूव. ठीक है, कौन सा एनिमल हॉप करता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए? सो आंसर इज फ्रॉग. ठीक है, फ्रॉग को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो कूदते कूदते जाता है. ठीक है, चल के नहीं जाता है, फ्लाई करके नहीं जाता है. कैसे जाता है? हॉप करके जाता है. सो नाउ नंबर फाइव, क्रॉल टू मूव. ठीक है, कौन सा एनिमल है जो क्रॉल करता है, ठीक है, रेंग के चलता है? सो द आंसर इज सी, पाइथन. नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल दैट लिव इन द वेरियस होम्स गिवन इन द टेबल बिलो. ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और उनके घर के नाम दिए हुए हैं. ठीक है, तो वो उस घर में कौन से एनिमल रहते हैं वो हमें लिखना है. चलो देखते हैं. नंबर वन, लिव्स इन होल्स और ब्यूरो. ठीक है, ऐसा कौन सा एनिमल्स जो होल्स और बरों में रहते हैं? ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स हैं रैट, स्नेक, एंट एंड टर्माइट. नेक्स्ट है, लिव्स इन नेस्ट. ऐसे कौन से बर्ड्स हैं, ठीक है, जो नेस्ट बनाते हैं, ठीक है, नेस्ट में रहते हैं? सो आंसर इज पिजन, स्पैरो, क्रो एंड किंगफिशर. किंगफिशर इज आल्सो अ काइंड ऑफ बर्ड. नेक्स्ट, लिव्स इन हाउस. ऐसे कौन से एनिमल है जो घर के अंदर रहते हैं? सो स्पाइडर, कैट. ठीक है, कैट भी हम घर के अंदर रखते हैं ना. देन लिजर्ड, कॉकरोच. देन लिव्स इन वाटर. ऐसे कौन सा एनिमल है जो पानी में रहते हैं? सो योर आंसर इज फिश, फ्रॉग, टर्टल एंड क्रोकोडाइल. नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स,
See, what is the question number 6? You are given a picture. Look and write. See, what you have to do? You have to look at the picture, find out the animals given in the picture, and you have to write the names of the animals in the space given below. ठीक है, क्या करना है? आपको एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें ढेर सारे एनिमल्स दिए हुए हैं, तो सारे एनिमल्स को फाइंड आउट करना है एंड उनके नेम्स नीचे लिखना है. सो चलो ये क्वेश्चन करते हैं. सी, फर्स्ट देखो क्या दिया हुआ है. पिजन दिया हुआ है. थोड़ा और छोटा कर लेंगे इमेज को. यस, नाउ अब डिटरमाइन करेंगे कौन सा एनिमल कहाँ पे है. ठीक है, तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो पिजन, देन नंबर 2 एंट्स, देखो यहाँ पे एंट्स हैं, देन नंबर 3 स्क्विरल, सी ये स्क्विरल, देन नंबर 4 क्रो, दिस इज क्रो, देन 5th मंकी, दिस इज मंकी, देन नंबर 6 स्पैरो, हियर इज द स्पैरो, देन नंबर 7 बटरफ्लाइज, सी हियर आर द बटरफ्लाइज, देन नंबर 8 पैरोट, हियर इज द पैरोट, एंड देन नंबर 9 मैना, दिस इज मैना. ठीक है, तो हमने सारे एनिमल्स ढूंढ लिए. नाउ सी, क्वेश्चन था पूनम सॉ मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री, राइट डाउन देयर नेम्स. ठीक है, तो पूनम जो हमारे चैप्टर का नाम है, व्हाट डिड पूनम सी. ठीक है, तो पूनम ने कौन से एनिमल्स देखे, तो पूनम ने ये सारे एनिमल्स ट्री के ऊपर देखे और हमने उनके नेम्स लिख दिए. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग क्वालिटीज नेम द एनिमल्स. ठीक है, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. ठीक है, तो हमें उनको जो हमें रेफरेंस दिए हुए हैं, जो हमें कंडीशन दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमें एनिमल्स के नेम्स लिखने हैं. ठीक है, तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है दैट कैन फ्लाई, से कौन से एनिमल्स है जो फ्लाई कर सकते हैं. सो योर आंसर इज स्पैरो, क्रो एंड पिजन, ऑल दिस 3 कैन फ्लाई. नंबर 2 दैट कैन वॉक ऑन 2 फीट्स. अब कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो 2 फीट के ऊपर, ठीक है, 2 पैरों पे चलते हैं. सो हैन, क्रो एंड कैंगरू. नंबर 3 दैट क्रॉल ऑन देयर स्टमक्स. सो ऐसे कौन से एनिमल है जो क्रॉल करते हैं, ठीक है, अपने पेट के ऊपर, पेट के ऊपर मतलब क्रॉल करते हैं, पेट के बल क्रॉल करते हैं. सो दीज आर स्नेक, लिजर्ड एंड अर्थवॉर्म. नाउ नेक्स्ट नंबर 4 That hop to move. ठीक है, ऐसे कौन से एनिमल है जो हॉप करते हैं, टू मूव यानी कि ऐसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जंप करके जाते हैं. सो सच एनिमल्स आर फ्रॉग, रैबिट एंड कैंगरू. नेक्स्ट नंबर 5 दैट हैव टेल्स. तो ऐसे कौन से एनिमल है जिसको टेल्स होती हैं, यानी जिसकी पूंछ होती है. सो योर आंसर इज डॉग, कैट एंड काउ, ऑल दिस 3 एनिमल्स हैव टेल. ठीक है, ऐसे आप और भी एनिमल्स के नाम लिख सकते हो, ठीक है, जिसकी टेल होती है. ठीक है, एलिफेंट की टेल होती है, ठीक है, गॉट की टेल होती है, छोटी सी टेल होती है. ठीक है, तो इस तरीके से आप दूसरे एनिमल के नेम्स भी लिख सकते हो. इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू राइट डॉग, कैट एंड काउ. ओके, नाउ नंबर 6 दैट हैव हॉर्न्स ऑन देयर हेड. ऐसे कौन से एनिमल्स है जिनको सिर के ऊपर हॉर्न्स होते हैं. हॉर्न्स मीन्स सींग. ठीक है, ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनको सींग होते हैं. सो काउ, बफेलो एंड ऑक्स, ये 3 के 3 एनिमल्स को सींग होते हैं. ठीक है, गॉट को भी सींग होते हैं, तो आप गॉट भी लिख सकते हो. ठीक है, नंबर 9 दैट कैन वॉक, क्लाइंब ऑन द वॉल. ठीक है, सो ऐसे कौन से एनिमल है जो वॉल के ऊपर क्लाइंब कर सकते हैं. ठीक है, यानी वॉल के ऊपर चढ़ सकते हैं. हम देखते हैं ना काफ़ी एनिमल्स दीवार के ऊपर, हमारे घर के अंदर भी दिखाई देते हैं दीवारों के ऊपर चढ़ रहे हैं. सो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं, लिजर्ड यानी छिपकली, देन एंट एंड कॉकरोच. नेक्स्ट नंबर 8 हियर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, कम्प्लीट देम एंड राइट देयर नेम्स बिलो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि आपको कुछ इनकम्प्लीट पिक्चर्स दिए हैं, यानी कि आधी अधूरी पिक्चर्स दिए हैं, तो आपको क्या करना है, उनको पूरा कम्प्लीट करना है, ड्रॉ करना है, एंड देन क्या कर रहे हैं, उनके नेम्स जो नीचे स्पेस दी है वहाँ पर लिखना है. तो फर्स्ट पिक्चर किसका है, डॉग, सेकेंड है फिश और थर्ड है कॉकरोच. ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट पिक्चर्स मैंने कम्प्लीट कर दिए हैं, आपको भी कम्प्लीट करना है और उनके नेम्स लिख देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 लुक एट द एनिमल्स गिवन बिलो, कलर द सर्कल गिवन बिलो, दोज दैट ड्रिंक वाटर विद द हेल्प ऑफ टंग, रेड एंड सर्कल एंड द सर्कल बिलो दोज दैट ड्रिंक वाटर विद द हेल्प ऑफ लिप्स,
ग्रीन। ठीक है, देखो क्या करना है क्वेश्चन में कि यहाँ पे हमें एनिमल्स दिए हुए हैं ढेर सारे, ठीक है 12 एनिमल्स दिए हुए हैं। तो ये 12 एनिमल्स, ठीक है, इसमें से जो जो एनिमल्स अपनी टंग से पानी पीते हैं उनको हमें रेड कलर करना है, और जो अपनी लिप्स से पानी पीते हैं उन्हें हमें ग्रीन कलर करना है। ठीक है, जो सर्कल हमें दिया हुआ है उसमें, ठीक है एक बार फिर से बताती हूँ, जो एनिमल्स अपनी टंग से पानी पीते हैं उस एनिमल पे जो सर्कल दिया हुआ है उसे हमें रेड कलर करना है, और जो एनिमल्स अपने लिप्स से पानी पीते हैं उस सर्कल में हमें ग्रीन करना है। ठीक है, तो देखो काउ, काउ का हमें दिया हुआ है, काउ में हमें कर देना है ग्रीन, मंकी में ग्रीन, डॉग में रेड, डियो में ग्रीन, एंड देन दिस इज़ अ बफेलो ग्रीन, लायन रेड, डोंकी ग्रीन, गोट ग्रीन, एंड कैट रेड। ऑन द नेक्स्ट पेज एलिफेंट ग्रीन, टाइगर रेड, एंड देन फॉक्स रेड। ठीक है, आपको कलर फिल करना है। ठीक है, जैसे मैंने लेटर्स लिखे आपको लेटर्स नहीं लिखना है, क्या करना है कलर फिल कर देना है। देन नंबर 10, फाइंड द नेम्स बेस्ड ऑन द क्वेश्चन एंड राइट एंड मेक अ बॉक्स अराउंड इट, नोट डाउन दिस वर्ड्स सेपरेटली। सी, हमें क्या करना है, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं तो उस क्वेश्चन का हमें आंसर फाइंड आउट करना है, और हमें यहाँ पे, ठीक है, राइट हैंड साइड पे वो नेम्स को ढूंढना भी है। ठीक है, सो देखो फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट हमें दिया हुआ है बनानास इज़ वॉट आई लव ईटिंग, आई स्पेंड माई टाइम जम्पिंग एंड लीपिंग। ऐसा कौन सा एनिमल है जिसको बनाना पसंद है एंड उसे जम्प करना पसंद है, एक जगह से दूसरी जगह कूदना पसंद है। ठीक है, सो द आंसर इज मंकी। ठीक है, तो मंकी देखो यहाँ पे हमने मंकी लिख दिया, एंड देन ये हमने मंकी यहाँ पे ढूंढ भी लिया। ओके, देन नंबर 2, ऑन द वॉल्स वेब आई वीव वेयर इंसेक्ट्स टेक एंड कैन नॉट लीव। ठीक है, ऐसा कौन सा एनिमल है जो दीवारों पे वेब्स बनाता है और एक बार उसमें अगर कोई इंसेक्ट फंस जाता है तो वो दूसरी बार बाहर नहीं निकल सकता। सो योर आंसर इज स्पाइडर। ठीक है, योर आंसर इज स्पाइडर, और यहाँ पे हमने स्पाइडर ढूंढ भी लिया, सी। ठीक है, तो ये स्पाइडर है। देन नंबर 3, आई रिमेन अवेक द होल नाइट एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट। ऐसा कौन सा एनिमल है जो रात को जागता है और दिन में सो जाता है। सो द एनिमल इज आउल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आउल ढूंढ लिया। ठीक है, इस तरीके से आपको भी सर्कल्स कर देना है, ठीक है, जो एनिमल्स के नेम है उसके ऊपर। देन नंबर 4, क्रॉक 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 इज़ माई साउंड इन वाटर और लैंड आई एम फाउंड। ठीक है, ऐसा कौन सा एनिमल है जो पानी पे भी दिखता है, लैंड पे भी दिखता है, और कैसी आवाज़ निकालता है, क्रॉक क्रॉक क्रॉक। ठीक है, द एनिमल इज़ फ्रॉग, और हमें यहाँ पे फ्रॉग ढूंढ लेना है। देन हमें दिया है नंबर 5, आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल हैव नो फीट सो आई क्रॉल। ऐसा कौन सा एनिमल है जो रेनफॉल के बाद दिखता है, यानी बारिश होने के बाद दिखता है, और उसके फीट्स नहीं होते, यानी उसको पैर नहीं होते, तो वो क्या करता है, क्रॉल करता है। सो दैट एनिमल इज स्नेल। तो ये रहा स्नेल, यहाँ पे हमने स्नेल ढूंढ लिया। देन है नंबर 6, नंबर 6 है स्लो एंड स्टेडी इज माई पेस आई लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। ऐसा कौन सा एनिमल है जो लैंड पे भी रहता है एंड पानी में भी रहता है, वाटर में भी रहता है, और उसकी स्पीड बहुत ही स्लो है, यानी कि वो बहुत धीरे धीरे चलता है। सो दैट एनिमल इज़ टॉर्टोइस। ठीक है, अब टॉर्टोइस हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो हियर इज़ द टॉर्टोइस। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा जो वर्ड है वो टॉर्टोइस है। ठीक है, दिख गया। सो आज के वीडियो में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 10 तक। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू क्वेश्चंस। ओके, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।